नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं देश भर की, दुनिया भर की 25 बड़ी खबरों को। सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का ट्रांसफर वीडियो क्लिप को लेकर बाबूलाल मरांडे ने लगाए थे गंभीर आरोप। बदले के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव और गृह सचिव राजीव अरुण एक्का को रविवार की देर शाम ट्रांसफर कर दिया गया। इन्हें अब पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा श्री एक्का से जुड़े एक वीडियो क्लिप को लेकर गंभीर आरोप लगाने के मामले को इससे जुड़कर देखा जा रहा है। तो दूसरी ओर आदिवासी के नाम पर कलंक है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दलाल बिजौली सत्ता पर हावी बोले बाबूलाल मरांडी। बचले के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता एवं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर होली से पहले बड़ा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी के नाम पर कलंक तक कह दिया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री मरांडी ने 36 सेकेंड का वीडियो क्लिप जारी करते हुए सीएम के प्रधान सचिव अरुण एक्का को कटघरे में खड़ा किया। तो दूसरी ओर जमशेदपुर में तापमान 37 डिग्री के पार। झारखंड के सभी जिलों में कई इन दिनों होगी बारिश, वज्रपात के भी आसार जताए जा रहे हैं। बचले के झारखंड में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। रविवार को लोहानगरी जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रांची का ऐसा तापमान 32.3 डिग्री और डाल्टनगंज का 35.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच मौसम केंद्र रांची ने रविवार को येलो अलर्ट जारी कर रखा है। कहा कि 8 और 9 मार्च को झारखंड के सभी 24 जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। तो दूसरी ओर बिहार जाने वाली बसों और ट्रेनों में सीटें फुल, कैसे जाए घर यात्री। पता चले कि होली को लेकर बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। ट्रेनें और बसें खचाखच भरकर बिहार की ओर आने जाने लगी हैं। खास तौर पर लॉन्ग रूट की बसों में भीड़ बढ़ रही है। तीन से लेकर सात मार्च 2023 तक सभी बसों में टिकटों की एडवांस बुकिंग है। बसों में ठस होकर लोग जा रहे हैं। कुर्सियां बीच में लगा दी गई हैं। बेंच पर बैठकर लोग 8 घंटे तक का सफ़र कर रहे हैं। सिवान, छपरा, मोतिहारी, आरा, बक्सर, बलिया, पूर्णिया, चंपारण, बेतिया, सासाराम, मुजफ्फरपुर समेत अन्य क्षेत्र की ओर जाने वाली गाड़ियों में भी भारी भीड़ है। करीब 60 से अधिक बसें क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को लेकर रवाना हो गई। वहीं रविवार को और सोमवार को सबसे ज़्यादा भीड़ हो सकती है। बस स्टैंड में तो सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। वहां लोग टिकट काटने आ रहे हैं, लेकिन कई रूटों की टिकटें तक नहीं मिल पा रही हैं। तो दूसरी ओर तमिलनाडु में फंसे हैं गुमला के 5 युवक, सकुशल घर वापसी की लगा रहे हैं गुहार। वजह से तमिलनाडु में गुमला जिले के 5 मजदूर फंस गए हैं और इन मजदूरों ने झारखंड सरकार और गुमला प्रशासन से मदद की गुहार लगाया है। मजदूरों ने गुहार लगाते हुए कहा कि यहां से वापस झारखंड ले जाइए। इधर मजदूर के परिजनों ने भी आवेदन सौंपकर प्रशासन से मदद मांगी है, जिससे मजदूरों को तमिलनाडु से सकुशल गुमला वापस लाया जा सके। सभी मजदूर उर्मी बंगरू एवं आंजन सिमरडी गांव के रहने वाले हैं। ये लोग तमिलनाडु स्थित कंपनी ताम्रम प्रेम लुटूर में फंसे हुए हैं। तो दूसरी ओर मेघालय में बनेगी एनडीए सरकार। यूडीपी और पीडीएफ ने सीएम कोनराड संगमा को दिया समर्थन। मेघालय में एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। यूडीपी और पीडीएफ ने मेघालय में एनपीपी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन दिया है। यूडीपी और पीडीएफ के समर्थन के बाद सत्ता का जो समीकरण बन रहा है उसके मुताबिक सभी एनपीपी और बीजेपी सदस्यों को मिलाकर कोनराड संगमा की सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या 45 हो गई है। यानी सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। तो दूसरी ओर समस्तीपुर में जमीन से कब्जा हटाने गई पुलिस पर हमला, बाई फूका, जमकर हुई बमबाजी। बचले के जमीन विवाद के एक मामले में कोर्ट के आदेश को लागू करने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। घटना समस्तीपुर की है। समस्तीपुर में रविवार को कोर्ट के आदेश पर विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर कब्जाधारियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान कोर्ट से जमीन का केस हार चुके लोगों ने पुलिस टीम पर जमकर रोडेबाजी की। बताया जाता है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई, लेकिन इसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना पटोरी थाना क्षेत्र के डाकुरबारी रोड की है।
दूसरी वो WPL 2023 को लेकर में यूपी वर्सेज जीजी बेहद रोमांचक मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट को 3 विकेट से रौंदा। पचले की यूपी वॉरियर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। गुजरात की यह दूसरी हार है। इससे पहले शनिवार को मुंबई ने गुजरात को 41 रन से हराया था। गुजरात जायंट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 169 रन बनाए जिसके जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम ने 19.5 ओवर में विकेट पर 175 रन बनाकर जीत दर्ज की। तो दूसरी वो झारखंड के कोल्लाह में रक्तदान शिविर में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बचले के सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत खरसावा के आकर्षणीय गेस्ट हाउस में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर का उद्घाटन माँ आकर्षणीय विकास समिति ट्रस्ट चिल्कू की अध्यक्ष मीरा मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं विलम से पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक दर्शन गगराई, पूर्व विधायक मंगल सोए समेत अन्य रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया था, सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। इस शिविर में कुल 107 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड स्थित करायकेला पंचायत भवन में सुमिता होता फाउंडेशन की ओर से 6ठा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। दूसरी ओर झारखंड के चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत से पिपरे लोगों ने घंटों किया रोड जाम। झारखंड के चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर मुफसिल थाना क्षेत्र के बावडही गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार दुख विक्रेता की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के बांदुआ गांव निवासी 45 वर्षीय हंस केतु प्रधान के रूप में की गई। लोगों ने घायल को तत्काल घटनास्थल से उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर उसके परिजन और सगे संबंधित अस्पताल पहुंचे। शव को देखकर परिजनों का रो का बुरा हाल हो गया। परिजन शव पर लिपट कर रो का बुरा हाल हो गया। इसी हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पहुंचकर लोगों को समझाते हुए जाम खत्म कराया। करीब 1.5 घंटे बाद जाम हटने से वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। तो दूसरी ओर झारखंड के 3 कोल ब्लॉक की हुई नीलामी। बचले के कोयला मंत्रालय में कॉमर्शियल माइनिंग के तहत 6ठे तौर की प्रक्रिया के तहत 27 फरवरी से कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। 28 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक लगाई गई बोली में झारखंड के 3 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई। इसमें सर्वाधिक बोली बुड़गा खाप स्मॉल पेंच कोल ब्लॉक के लिए लगाई गई। इस ब्लॉक को 45.50% अधिक बोली लगाकर श्री सत्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल किया। बताया गया है कि राज्य सरकार को इन तीनों कोल ब्लॉक के चालू हो जाने पर लगभग 700 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त रॉयल्टी मिलेगा। तो दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम के हाई स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, प्रभावित नए शिक्षा शिक्षिकाओं का होगा पदस्थापन। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है। कारण यह है कि जल्द ही जिले के सरकारी हाई स्कूलों में 44 शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापन होगा। यह वे शिक्षक हैं जो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 10-16 मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर सारी बाधा दूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापन 6 मार्च तक करने को कहा गया था। इसी आदेश के आलोक में यह पहल की जा रही है। शनिवार को उपायुक्त विजया जाधव ने उक्त सभी शिक्षकों की स्थापना के लिए फाइल मंगवा ली है। जल्द ही स्थापना कर सभी शिक्षकों का पदस्थापन उन स्कूलों में किया जाएगा जहां बच्चों की संख्या अधिक लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि मुख्य समाचार के साथ आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि हम आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, जुड़े रहें JD मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।